उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में एक 4 वर्षीय बालिका के हत्यारों को कोर्ट में किया गया पेश। वकीलों ने पैरवी करने से किया इनकार। आरोपियों के खिलाफ जन आक्रोश फूटा और हत्यारों को फांसी देने की गई मांग। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात। चिमनगंज थाना क्षेत्र निवासी 4 वर्षीय बालिका के हत्यारों को कोर्ट में पेश कर वकीलों ने पैरवी करने से इनकार कर दिया। आरोपियों के खिलाफ जन आक्रोश फूटा है और हत्यारों को फांसी देने की मांग की गई है। मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात रही है। जन आक्रोश को देखते हुए पुलिस कंट्रोल रूम स्थित CSP कार्यालय को अस्थायी कोर्ट बनाया गया है, जहां न्यायाधीश शशिकांत वर्मा स्वयं पहुंचे। पुलिस कंट्रोल रूम पर SP सचिन शर्मा भी मौजूद रहे। माननीय न्यायालय ने एक आरोपी को जेल भेजा है, वहीं 3 आरोपियों को पुलिस रिमांड पर भी भेजा गया है। तुम नीचे उतरो, है ना, आप बैठो। एक उधर से जाओ, एक उधर जाओ, आराम से आराम। निर्मल गेट लगा पीछे से, लॉक लगाओ। क्यों रानू, क्यों मारा बच्ची को बताए। उज्जैन जिले के थाना चिमनगंज अंतर्गत जो कुछ दिन पहले घटना हुई थी, उसमें जो आरोपी थे सभी को अभिरक्षा में लिया गया। इसमें से 3 जो थे उनको पुलिस रिमांड पर लिया गया और 1 को JR पे भेजा गया है। इसमें कुछ साक्ष्य हैं जो अभी भी एकत्रित किए जाने हैं, इसीलिए PR पे लिया गया और जल्दी इसमें चालानी कार्रवाई की जाएगी। सर, विशेष रूप से यहाँ से कंट्रोल रूम पर रिपोर्ट लगाई गई, क्या कारण रहा? इसका कोई विशेष कारण नहीं है, ये रिमांड प्रक्रिया है। यदि ऐसा लगता है कि कुछ ऐसी परिस्थितियां हैं जिसमें कुछ अनहोनी होनी हो सकती है, तो उसमें इस तरीके की कई बार हो जाती है। उज्जैन नगर के लिए ये बहुत ही शर्मनाक घटना है कि समाज के ऐसे दरिंदे जो मासूम बच्चियों को भी अपने हवस का शिकार बनाते हैं या पर उनके साथ ऐसे कृत्य करते हैं, दुष्कृत्य करते हैं, उनके लिए समाज में कोई जगह नहीं होना चाहिए और उनका कोई साथ नहीं दे, क्योंकि चूँकि हम भी अभिभाषक संघ के सदस्य इसी सभ्य समाज के अंग हैं और हमारा नैतिक दायित्व बनता है कि हमेशा ऐसे इशू के ऊपर बार एसोसिएशन द्वारा हम हमेशा उस पीड़ित परिवार के साथ तो हैं, लेकिन जहां तक इस प्रकार की घटनाएं दोबारा नहीं हो इसके लिए भी हम हमेशा प्रयत्नशील रहते हैं कि हमारे अभिभाषक संघ का कोई भी सदस्य उनकी पैरवी नहीं करे, क्योंकि पैरवी करने के बाद ऐसे दरिंदों के इनके हौसले बढ़ते हैं। इसका लिए अगर अभिभाषक यहाँ से बार एसोसिएशन उज्जैन का कोई पैरवी करेगा उसके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।